प्रोफेसर दरिया सिंह यादव, जो कि राजस्थान टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में संयुक्त निदेशक हैं तकनीकी शिक्षा में, उनसे परिचित कराने जा रही हूँ। प्रोफेसर दरिया सिंह यादव पर्यावरण विद आचार्य को क्रॉनिकल ईयरबुक राष्ट्रीय पुरस्कार 1997 में सम्मानित किया गया। हिंदी में विज्ञान तकनीकी पर्यावरण पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें जेमिनी अकेडमी द्वारा आचार्य की उपाधि से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1998 पर विभूषित किया गया। पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव सम्मान 1999 में नवाजा गया। उल्लेखनीय सामाजिक पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं समर्पण की बदौलत अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने जोधपुर के पर्यावरण विद दरिया सिंह यादव को वर्ल्ड मेडल ऑफ ऑनर 2003 के लिए चुना गया था। इनकी बायोग्राफी एशियन एडमायरेबल अचीवर्स 2007 में सम्मिलित की गई। मृत्यु उपरांत अपनी देह मेडिकल शोध एवं प्रत्यारोपण के उद्देश्य से राष्ट्र को समर्पण का अनोखा संकल्प लेने वाले पर्यावरणविद सिंह की बायोग्राफी रेफरेंस एशिया 2003 में सम्मिलित की गई थी। इनकी बायोग्राफी अमेरिकन एशियन हुज हु 2008 में सम्मिलित की जा चुकी है। इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय जीवनी शोध अकादमी के ग्रंथ 20वीं सदी के मशहूर व्यक्तियों में या व्यक्तित्व में सम्मिलित किया जा चुका है। और पर्यावरण सामाजिक व तकनीकी शिक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए आईएसटीई इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इन्हें 2008 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। देश के 15 प्रदेशों में राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान चलाने वाले इन महान व्यक्ति को प्रकृति प्रेम के एक जुनून की तरह है। इसे इस उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भारत एक्सलेंस अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया और 2010 में ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड और 2010 में ह्यूमन एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और तकनीकी शिक्षा में पर्यावरण के लिए इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें जो ये पर्यावरणविद सिंह को बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के सदस्य के रूप में भी चयन किया गया है। सामाजिक पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण युवाओं में पर्यावरण जागरूकता का उल्लेखनीय कार्य किया तथा 180 से अधिक सेमिनार कार्यशालाएं एवं वृक्षारोपण अभियान संचालित किए। इन्होंने ग्रामीण युवाओं व तकनीकी विद्यार्थियों में क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। राज्य में कम्युनिटी पॉलिटेक्निक स्कीम व सार्वजनिक निजी सहभागिता योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय भूमिका इन्होंने निभाई है और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण समर्पण की बदौलत ही विश्व प्रकृति निधि जोधपुर का संभागीय सचिव चुने गए हैं। पर्यावरणविद आचार्य सिंह के असाधारण व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण इन्हें समय समय पर विभिन्न पर्यावरण सामाजिक तकनीकी संस्थाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे इन्होंने पूर्ण निष्ठा व लगन से निभाकर उल्लेखनीय योगदान दिया है। विभिन्न संस्थानों के अपना समय समय पर नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं, जैसे चेयरमैन आईएसटी राजस्थान हरियाणा सेक्शन, सचिव विश्व प्रकृति निधि जोधपुर डिवीजन, भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान कोटा व जोधपुर, माइक म्यूट कर लीजिए, टीटीसी।
वह जोधपुर पॉलिटेक्निक चैप्टर, राष्ट्रीय परिषद, भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, कार्यकारी परिषद, पर्यावरण विभाग, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स राजस्थान, स्टेट सेंटर जयपुर, राष्ट्रीय निदेशक करुणा मंडल परियोजना, भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान पॉली, स्टूडेंट्स चैप्टर पॉलिटेक्निक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें जिले प्रशासन द्वारा प्रशासित पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर दरिया सिंह यादव, इन्होंने पर्यावरण एनवायरमेंटल साइंस में बहुत अपना योगदान दिया है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और आपके साथ नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं अब उनसे निवेदन करूंगी कि वो ये इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करें और उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस संस्थान के आग्रह पर, हमारा जो आग्रह था वो स्वीकार किया और स्वीकार करके आज वो हमारे बीच है टू इंटरेक्ट विद ऑल द टेक्निकल टीचर्स एट 5 सेंटर्स, एमएम पॉलिटेक्निक फतेहाबाद, टीटीसी जोधपुर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गुड़ुआ, देन सेंट मार्गरेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी निमराना and Vedant Group of Institution, Bundi. So, sir, once again, I welcome you and hand over the interactive session to you. Good morning. TTC, St. Margaret Engineering College, Vedant College, MM Polytechnic, Chandigarh University. आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, आ रही है। Okay, thank you. आप सभी का ICT के थ्रू इंडक्शन प्रोग्राम के इस आखिरी सत्र में मैं भी स्वागत करता हूँ और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग टीचर्स से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर बात करने की मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है। मैंने NITTTR चंडीगढ़ के डायरेक्टर और इनकी जो डेडिकेटेड टीम है, मैडम तुलसी, प्रोफेसर पटनायक, इन सभी से निवेदन किया था कि नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमारी फैकल्टी को थोड़ी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर एक सही डायरेक्शन कोई दे सकते हैं तो वो शिक्षक है, और उनमें भी खास तौर से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षक। आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत, और मैं इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी को बुलाए जाने के लिए मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूं कि आपको एक और बड़ी जिम्मेदारी के लिए इंट्रोड्यूस और इंड्यूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी डिग्री और डिप्लोमा करें, ये तो सभी कॉलेज करा रहे हैं, पूरे देश के और पूरी दुनिया के स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों को सर्टिफिकेट्स, एग्जामिनेशंस और उनके रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक और बड़ी जिम्मेवारी इस सब के अलावा है कि आप स्टूडेंट्स को जो है भारत की जो एक पुरानी इमेज रही है कि एक महान देश है, ग्रीन एंड ग्रेट इंडिया, उसको वापस बनाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एक जिम्मेवारी हमको दी है कि इस धरती पर जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो संकट आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए हमें काम करना है, तो इसके लिए एक कैटलिस्ट की भूमिका में आपको और हम सबको काम करना है, और इसके लिए जरूरी है कि देश और दुनिया के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और उनमें सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उनकी एक झलक हम अभी आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, और इनका समाधान आप सबको और हम सबको करना है। ये हमारा मूल कर्तव्य भी है और यही हमारा नेशनल मिशन भी है।
पिछले सालों के अखबार या मैगजीन्स आप देखते होंगे तो ये इस तरह के हेडलाइंस आपने देखी होंगी, तपती धरती, बदतर हालात, दुनिया में रेगिस्तान फैल रहा है, 30% जो है प्रति व्यक्ति पानी की कमी हो जाएगी 2050 तक, मौसम बिगड़ रहा है और मैदानी इलाकों में आफत आ रही है, ये भारत में भी आप महसूस कर रहे हैं पिछले सालों से। सुनामी के बारे में आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा, जापान की जो सुनामी आई उसने जो है दुनिया के बहुत ताकतवर देश जापान और अमेरिका ताकतवर माने जाते हैं, जापान को हिला के रख दिया। और राजस्थान के जो नागरिक हैं, टीटीसी में बैठे हमारे जो साथीकरण हैं, वो महसूस कर सकते हैं, सूख रही है धरती की कोखी। हेडलाइंस हम राजस्थान में पढ़ते रहे, राजस्थान का ग्राउंड वाटर लेवल लगभग सभी ब्लॉक्स में खतरनाक स्तर से नीचे जा चुका है और यही स्थिति पूरे हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की हो रही है। हिमालय के ग्लेशियर्स 2035 तक टोटली जो है खत्म हो जाएंगे और उसके कारण जो है हमारे समुद्रों में तूफान आएगा और जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैल जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय के अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या स्थिति होने वाली है। अगर धरती का तापमान आधा डिग्री बढ़ता है तो गेहूं की पैदावार 17% कम हो जाएगी सिर्फ आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से, जबकि धरती का टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण। और अगर ग्रीनलैंड की जो बर्फ की परतें हैं वो पिघलती हैं तो उसका क्या असर होगा, ये ध्रुवीय भालू का बच्चा बताया गया है, इनका अस्तित्व संकट में है और मानव का अस्तित्व भी संकट में है। एक स्लाइड बॉम्बे की दिखाई है, बरसात के मौसम में जो है बॉम्बे की सड़कों की क्या हालत हो जाती है, नदियां हो जाती है, यही हाल हमारे जयपुर, जोधपुर और उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के बड़े शहरों का यही हाल होता है। और गेटवे ऑफ इंडिया 2020 में गेटवे ऑफ इंडिया की क्या हालत होगी, क्लाइमेट चेंज की यही स्थिति रही और हमने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो मुंबई का नरीमन पॉइंट डूब जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया इस तरह का दिखाई देगा, 40% हमारे जो ग्लेशियर्स हैं हिमनद वो गायब हो जाएंगे और गंगा का मैदान है वो बंजर हो जाएगा, 25% हमारे जो वन्य जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, अनाज और पानी की किल्लत आम बात हो जाएगी। आज फूड सिक्योरिटी बिल की बात हम करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए जो है गरीब लोगों को अनाज मुहैया कराना जरूरी चीज़ है, लेकिन इन स्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन जो आज के लेवल पर है उस पर मेंटेन हम कैसे करेंगे, ये एक बड़ा संकट हमारे सामने आने वाला है। अनाज और पानी की किल्लत आम बात हो जाएगी, डेंगू, हेजा, पेचिस ये बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, ये निष्कर्ष है संयुक्त राष्ट्र का जो क्लाइमेट चेंज का पैनल बना था उसके निष्कर्ष हैं। जापान में जो सुनामी आई थी उसका एक दृश्य है, वहाँ के हवाई जहाज और कारें इस तरह से खिलौनों की तरह से बह गए थे, ये चित्र वहाँ से लिया गया है, थोड़ा सा ये स्लाइड को थोड़ा ठीक कर दो, कट रही है ना इसमें। भारत में जो पानी की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ 1947 में प्रति व्यक्ति 6008 क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता थी, जो 1951 में 5177, 2001 में 1820 और 2025 में 1340 और अनुमान है कि 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर, यानी 6000 से 1100 तक पानी इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। तो निष्कर्ष इन आंकड़ों से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हम जो है पानी को बर्बाद करने के लिए आज़ाद हुए, 1947 में जितना पानी था वो पानी लगातार कम हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि पानी का संकट होगा तो खाने का संकट भी होगा, क्योंकि पानी से ही फसलें पैदा हो रही हैं, तो पानी का संकट, खाद्यान्न का संकट, ऊर्जा संकट, ये सारे संकट आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप भारत की जो इकोनॉमी का क्या हाल होगा ऐसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं। टाइगर पेड़ और पानी ये इस चित्र में मैंने दिखाए, इनका एक बहुत गहरा संबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971-72 में ये शुरू किया था
और उस टाइम इसकी क्रिटिसाइज किया गया था कि एक टाइगर को, हिंसक जंतु, उसको बचाने की क्या जरूरत है। जब फतेह सिंह जी जो आईएफएस ऑफिसर थे रणथंबोर उसके, वो इंदिरा गांधी के पास में एक बच्चे को लेके गए, बिल्ली जैसा बच्चा वो दिखता था, वो भी लाइन में खड़े हुए थे, सब फरियादी लाइन में खड़े थे, अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे। जब फतेह सिंह जी का नंबर आया तो उन्होंने इंदिरा गांधी से जो है उस बच्चे को बचाने को कहा, वो समझी नहीं। उन्होंने कहा इस बच्चे को क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा मैडम ये टाइगर का बच्चा है और इनका अस्तित्व संकट में है, भारत में बहुत कम टाइगर रह गए हैं और अगर टाइगर नहीं बचेंगे तो हमारे जंगल नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान में बारिश कम होगी, हिंदुस्तान के बांध में पानी नहीं आएगा तो पेयजल का संकट होगा और खाद्यान्न का संकट और साथ में बिजली का संकट, इसलिए इस स्पेसीज को, टाइगर को बचाना बहुत जरूरी है। और तब से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में भारत के काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी जंगल को बचाया जा रहा है और इससे हम पानी की कुछ बचत कर पा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट और दूसरे प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, वो सारे इस क्लाइमेट चेंज की दिक्कतों को दूर करने के लिए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आज के, आप शहरों में चले जाइए, किसी फंक्शन में आप चले जाइए, शादी के फंक्शन में या कोई दूसरा फंक्शन, तो आप उसमें देखेंगे आदमी आधा खाता है आधा छोड़ता है, आधी थालियाँ उनकी झूठे भोजन की होती हैं। वॉश बेसिन आप देखिएगा तो नल खुले मिलते हैं और अनावश्यक जलती हुई बत्तियाँ, भले ही आप स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं चले जाए, पूरे हिंदुस्तान में सुबह जब ऑफिस खुलते हैं सारे लाइट्स ऑन होती हैं, फैन एसी जो भी है, और शाम को जब ऑफिस बंद होते हैं तभी ऑफ होती है। स्विच ऑफ समथिंग, ये एक हम नया नारा आज दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी ये जो है अनावश्यक बत्ती जलाने की वजह से करीब 20-25% बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है और उस वजह से बिजली का संकट है। तो स्विच ऑफ समथिंग अगर हम करने की आदत डाल दें बच्चों में और अपन खुद ऐसी आदत अगर डाल लें तो भारत की बहुमूल्य बिजली बचाई जा सकती है और क्लाइमेट चेंज की जो उससे जो संकट पैदा हो रहे हैं उनको निजात में हम काफ़ी कुछ मदद कर पाएंगे। इसी तरह से खाली छोड़ा गया कागज़, एक साइड में अपन कागज़ खाली छोड़ के फेंक देते हैं। मैं इस वक्त रामानुजम जो हमारे मैथमेटिशियन थे उनकी एक आदत थी उस पर आपको बताना चाहूँगा, वो सबसे पहले खाली कागज़ के ऊपर पेंसिल से लिखते थे, उसके बाद लाल रिफिल से लिखते थे दूसरी बार उसी पे, और फिर नीली रिफिल से, तो एक कागज़ को वो तीन बार इस्तेमाल करते थे और दोनों साइड, तो छः बार एक कागज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी इस तरह की आदत को भी अगर हम अपना लेते हैं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे जंगलों को हम बचा सकते हैं। एक टन कागज जो है बनाने में 17 पेड़ जो है नष्ट हो जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगे कि छोटी सी हैबिट से हम कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इसी तरह से खड़े वाहनों में जलता हुआ पेट्रोल, किसी भी शहर में आप चले जाइए वहाँ लोग जो है उनका स्कूटर और कार ऑन है और वो आपस में खड़े खड़े बात कर रहे हैं रोड के बीच में, या चौराहे के ऊपर आप चले जाइए इंजन ऑन है, अगर आपको एक दो मिनट से ज़्यादा भी खड़ा होना है तो भी सबके व्हीकल चलते रहते हैं और एक दूसरे के फेफड़ों में जो है सल्फर के और नाइट्रोजन के और दूसरे कार्बन के ऑक्साइड्स जो है हम फेंक रहे होते हैं, इस तरह हमारे देश का हेल्थ बिगड़ रही है और इसके साथ साथ में हमारा जो पेट्रोल डीजल का है वो बिल भी बड़ा हो रहा है। पिछले दिनों दो दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने जो है पेट्रोल के आयात के ऊपर एक बड़ी खबर दी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सब के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार है, जिसका स्कूटर जिसकी कार चौराहे के ऊपर या सड़क के ऊपर बिना मतलब जो है वो स्टार्ट है, उन सब का योगदान उसमें, भारत का जो आयात का बिल बढ़ाने में हर व्यक्ति का इस तरह से योगदान है। सिर्फ जो पैदल चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं उनका योगदान इसमें नहीं है, बाकी लगभग हर नागरिक का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हमारा देश उजड़ रहा है, मतलब देश को उजाड़ने में हमारे लगभग सभी नागरिकों का योगदान है। थोड़े से लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी हैबिट आज भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है पुरानी कल्चर है उसके हिसाब से आदत अब बहुत बहुत कम लोगों की रही है, हम सब वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्ट की कल्चर है उसको अपना रहे हैं। हमारा मीडिया का रोल कहिए या टीवी का रोल कहिए या आज की इस आपाधापी में पेरेंट्स को टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को सही संस्कार की शिक्षा दे सके, जो हमारे पुरानी संस्कृति के संस्कार थे वो देने का टाइम पेरेंट्स के पास भी नहीं है, और इस नाते शिक्षक की जिम्मेवारी आज और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर इस देश को और इस दुनिया को बचाना है और भावी पीढ़ियों को एक सही धरती अगर हमें सौंप के जाना है, सही धरती का मतलब उनको शुद्ध पानी मिल सके, पर्याप्त पानी,
शुद्ध भोजन मिल सके, शुद्ध हवा मिल सके। पिछले दिनों बेंगलोर में एक ऑक्सीजन बूथ खुला था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जापान में ऑक्सीजन बूथ बहुत पहले से है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं और पेट्रोल डीजल हम बहुत ज़्यादा फूंक रहे हैं, तो वातावरण में जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फेफड़े लोगों के खराब हो रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन बूथ इसका सोल्यूशन जापान ने सोचा और हम भी उसकी उसके ही जो कदमों पर चल रहे हैं। बेंगलोर में भी ऑक्सीजन बूथ खोला गया, पूछा गया तो उनका ये कहना था कि बेंगलोर के वातावरण में ऑक्सीजन कम हो रही है तो लोग बेहोश नहीं हो जाए, इसलिए हम ऑक्सीजन बूथ खोल रहे हैं। जैसे एसटीडी बूथ हुआ करते थे पहले, वैसे ऑक्सीजन बूथ सॉल्यूशन ये निकाला जा रहा है। इस सेशन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के स्टूडेंट्स और नागरिकों में ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से कि ऑक्सीजन बूथ खोलना या पानी को बोतल में बंद करके सप्लाई करना इन समस्याओं का समाधान नहीं है। आप जो है 15 रुपए लीटर की बोतल आप 121 करोड़ जनता को सप्लाई कर सकते हैं क्या, उनकी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं क्या, या ऑक्सीजन बूथ खोल करके आप जो है ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं क्या, यह संभव नहीं है। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन और पानी की बात हुई, बिजली की समस्या आ रही है। जैसे जो ही गर्मी आती है जोधपुर में पावर कट शुरू हो जाता है, 4 घंटे रोजाना बिजली। जैसलमेर में और भी हाल बुरा है, राजस्थान के सभी शहरों की यही स्थिति है, यही हाल मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा और दूसरे राज्यों में यही हो रहा है करीब करीब। देश में पहले 6 ऋतुएं होती थी, हमने बचपन में पढ़ा है स्कूल में, 6 ऋतुएं होती है, आज ऋतुएं 2 रह गई हैं, 8 महीने गर्मी और 4 महीने सर्दी, 4 महीने भी वो कम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हम राजस्थान के टेम्परेचर पर निगाह रखे हुए नोट करते हैं तो ये पाया गया है कि 8 महीने से ज़्यादा राजस्थान में जो है टेम्परेचर किसी न किसी दिन 40+ रहा। 40+ टेम्परेचर का मतलब आप जो है उसको लाइटली मत लीजिए, 40+ टेम्परेचर का मतलब है क्लाइमेट चेंज में ज़बरदस्त बदलाव, क्लाइमेट में वातावरण में बहुत ज़्यादा जलवायु में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है कि उसकी वजह से बहुत बड़े संकट, खाद्यान्न का संकट, पानी का संकट और ये सारे संकट जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने डिस्कस किए और स्लाइड्स में आपने देखे, ये बहुत गंभीर परिणाम है इसकी वजह से। 40+ मामूली बात नहीं है। HP चौधरी साहब वहाँ बैठे हैं, दीपक गहलोत बैठे हैं TTC में और हमारे साथी बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि 40+ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ तो हम 50 डिग्री टेम्परेचर भी महसूस करते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आने वाला है जब हमारे ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स या हिमालय के ग्लेशियर्स या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जो बर्फ़ है वो इसी कारण से पिघलेगी, और ये बर्फ अगर सारी पिघल गई तो भारी तबाही आएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि 40 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर सहन करना राजस्थान में एक आम बात है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड भी सहन करते हैं, अमेरिका के आदमी जो है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर होते ही वहाँ हजारों लोग मारे जाते हैं, देश का सबसे ताकतवर आदमी 5-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते ही अपने नागरिकों को बचा नहीं पाते, तमाम उनकी मेडिकल साइंस और तमाम तकनीक के बावजूद। इसके ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाली है ये आप देखिए, पिछले स्लाइड में आपने देखा है। तो आज इस सेशन के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये एक यूनिक प्रोग्राम है, ICT के माध्यम से हम ज़्यादा टीचर्स के पास पहुँच पा रहे हैं और ये संदेश हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं। हमको ये प्रण करना है कि इस तरह का अपव्यय जो कि जैसे झूठा छोड़ा हुआ भोजन, फूला हुआ नल, अनावश्यक जलती हुई बत्तियां, एक तरफ खाली गला खाली छोड़ा हुआ कागज या जलता हुआ अनावश्यक पेट्रोल डीजल, इस अपव्यय को अगर हम रोक सकते हैं तो इस दुनिया को तबाही से रोक सकते हैं और इस देश को तबाह होने से रोक सकते हैं। तो हमें इस अपव्यय को रोकने का आज प्रण करना है और हमारे स्टूडेंट्स को भी और बच्चों को भी ये संकल्प कराना है तो ही हम देश को समृद्धशाली बना पाएंगे। अदरवाइज हम बहुत सारे कानून एक्ट बना के जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्शन, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, एक्ट से ये देश नहीं बचेगा, एक्शन से बचेगा। पर्यावरण हम एक्शन से बचा पाएंगे। प्रकृति से बेहद छेड़छाड़ के नतीजे पिछले दशकों के वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं। 1970 के दशक में करीब 423 प्राकृतिक आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं मानव जनित कारणों से, रॉन्ग टेक्नोलॉजी और वेस्टफुल लाइफस्टाइल, ये 2 कारण। 80 के दशक में 899, 90 के दशक में 1683 और पिछले दशक में करीब 3,500 प्राकृतिक आपदाएं, यानी ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, कम बारिश, ज़्यादा बारिश या
भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात, ये कई तरह के तूफानों के आपने नाम सुने होंगे, कैटरीना और इस तरह के, तो ये सब प्रकृति से बेहद छेड़छाड़ के नतीजे हैं और उसके रिजल्ट आपने महसूस किए, एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और वाटर क्राइसिस, जल का संकट, भोजन का संकट, ऊर्जा का संकट, पर्यावरण के तमाम संकट इस वजह से आ रहे हैं। आप कहेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो गलत टेक्नोलॉजी के कारण ये सारे संकट आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकें और सही टेक्नोलॉजी, क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी आप लाएं, उसको लोगों तक पहुंचाएं, तो देश की इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती है। और वेस्टफुल लाइफस्टाइल, जैसी पिछली स्लाइड में आपने देखा था, हमारी जो लाइफस्टाइल है, पहले हमारी लाइफस्टाइल पर्यावरण परक होती थी, पर्यावरण के हम साथ चलते थे, इस धरती को हम माँ मानते थे और इस धरती से जो कुछ भी हम लेते थे उसको बर्बाद नहीं करते थे, और आज की लाइफस्टाइल आप देख रहे हो, तो इस वेस्टफुल लाइफस्टाइल को हमें बदलना है, आने वाली पीढ़ी में बदलना है, नहीं तो सारे संकट ये इतने गंभीर हो जाएंगे कि हमें सब कुछ छोड़ करके देश में पर्यावरण इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी दुनिया में, और सभी को इस पर्यावरण को बचाने के लिए लगना पड़ेगा। आज कई कॉलेजेस से मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि अगर इंडक्शन प्रोग्राम थ्रू आईसीटी हम करते हैं तो हमारे बच्चों की 5 दिन की पढ़ाई खराब होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के संकट हम दुनिया के सामने पैदा कर रहे हैं कि 5 दिन तो क्या हमें कई साल की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी और सारे नागरिकों को जो है पर्यावरण की सफाई और पर्यावरण को बचाने में लगना पड़ेगा, जैसी पर्यावरण की इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो रही है। तो इस 5 दिन को आप जो है वेस्टेज नहीं समझें। अगर मैं किसी कॉलेज का डायरेक्टर या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता तो इस तरह के प्रोग्राम को मैं बच्चों की 5 दिन की छुट्टी घोषित करके या उन बच्चों को भी इस प्रोग्राम में बैठा था और सारे स्टाफ को भी इस प्रोग्राम में बैठा था। इसमें इतना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इतने अच्छे इनपुट्स हमें और कहीं नहीं मिल रहे, और ICT के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीचर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम बढ़िया इनपुट दे करके एक नई दिशा दे सकते हैं। ये तो बात थी एनर्जी, फूड और वाटर के जो इश्यूज थे, ग्लोबल इश्यूज, ये एक लीनियर थिंकिंग आदमी के हिसाब से। मैं एक कदम और आगे जाके आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें और दूसरे जो जीव जंतु हैं इस धरती पे, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, सिर्फ आदमी के लिए नहीं, दूसरे जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, अगर उनको हमने नहीं बचाया तो मानव सभ्यता भी नहीं बचने वाली है। हम जो है एक दूसरे से, आदमी एक दूसरे से आउट ऑफ रिलेशन होता जा रहा है, पूरी दुनिया के झगड़े, देशों के बीच में झगड़े, राज्यों के बीच में झगड़े, तमाम तरह के आदमी और आदमी के बीच में झगड़े, जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम तरह के जो है ये जो अंतर आ रहे हैं ना, ये अंतर एक अच्छा संकेत नहीं है। हम इस धरती से, इस पर्यावरण से भी हमारे रिलेशन सही नहीं है, और इस वजह से फ्यूचर जनरेशंस जो भावी पीढ़ियाँ हैं उनके साथ भी हमारा संबंध सही नहीं है, और इसलिए इकोलॉजिकल क्राइसिस, जो पर्यावरण की जो संकट की जो स्थिति पैदा हो रही है, और जो बहुत पीछे की स्लाइड्स में आपने देखा और ये जापान की स्लाइड में बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल जापान, सिंगापुर या अमेरिका है, ये सही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोल मॉडल इंडिया है, भारत, भारत की जो लाइफस्टाइल है और भारत में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में जो सोच रही है, उस सोच को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये तमाम संकट और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते। जो भौतिकवादी सोच है उससे ये धरती बचनी नहीं है। हम ये आज ये जान लें कि इस धरती के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वो डिप्लीट हो रहे हैं, चाहे पेट्रोल की बात हो, पानी की हो। पेट्रोल के लिए लड़ाइयाँ आपने देखी हैं, इराक की लड़ाई पेट्रोल की लड़ाई थी, दूसरा विश्व युद्ध पेट्रोल के लिए लड़ा गया था, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। बहुत पहले चीन ने यह समझ लिया था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, इसलिए चीन ने पानी का जो खजाना है तिब्बत, उसके ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया। तिब्बत में सबसे ज्यादा पानी है। आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे कि ये नेशनल मिशन हमने क्यों तय किया, ये इसी वजह से किए। संयुक्त राष्ट्र संघ जानता है और भारत भी जानता है कि इन संकटों से निपटने के लिए हमें एक मिशन के तौर पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में ये सवाल उठता है कि हमारी टेक्नोलॉजी की दिशा क्या हो और
हम क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं हमारे विद्यार्थियों को, और ये जो गलतियां पिछले कुछ दशकों में, खासतौर से पिछले 50 साल में मानव ने जितनी गलतियां की हैं उनका ये परिणाम हम आज देख रहे हैं। तो इन गलत टेक्नोलॉजी और गलत लाइफस्टाइल को दूर करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ आदमी के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये हेडलाइन आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ी, बदले ना मौसम चाहे बदले दुनिया सारी। हमारा मीडिया भी आजकल पर्यावरण की इन त्रासदियों को फोकस में ला रहा है, वो भी समझ रहे हैं कि ये वाकई ये संकट बहुत नज़दीक आ गए हैं। और एक चीज़ हमें ये जाननी पड़ेगी, हमारे विद्यार्थियों को जानना पड़ेगा कि ये धरती एक बड़ा स्पेस शिप की तरह से है, और ये एकमात्र सजीव ग्रह है, और कोई धरती आज तक तो जो है ना अमेरिका और ना रूस और दूसरे देश जो कि रॉकेट छोड़ते हैं और ये दूसरा ग्रह ढूंढने में लगे हुए हैं जहाँ पे हवा और पानी हो, आज तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। और अगर कोई ग्रह मिल गया तो इस दुनिया की 8 अरब आबादी और भारत की जो 121 करोड़ की आबादी है उनको आप उस ग्रह पे ले जा भी नहीं सकते हैं, इतने आपके पास संसाधन नहीं है उनको ले जाने मात्र के। और इतना बढ़िया मौसम जो यहाँ का रहा है, यहाँ पानी और इतना बढ़िया खाद्यान्न तरह तरह की चीज़ें जो उपलब्ध है, वो मुझे नहीं लगता किसी ग्रह में आपको मिल जाएगी। कुछ बूंद पानी मिल जाएगा तो वो आप हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ की नेचर के, प्रकृति के जो लॉ है उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति हमें अपने जो रेड सिग्नल्स हैं, ये तमाम तरह की आपदाएं आ रही है, रेड सिग्नल है प्रकृति के, अभी आप समझें इस धरती को और सुधार करें, नहीं तो इस तरह के संकट आने वाले हैं। प्रकृति के रेड सिग्नल को हमें समझना पड़ेगा और इस धरती को बचाए रखने के लिए एक्शन जो है लेना पड़ेगा। तो जल वायु परिवर्तन, जल की बात हमने पढ़ी थी, जल संकट, वायु संकट और जलवायु संकट, तो इससे उपजी जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए सब देशों ने अपने अपने मिशन तय किए हैं, और भारत ने भी ऐसे 8 मिशन तय किए हैं। एक किसी चीज़ को मिशन के रूप में कोई देश या कोई समाज कब लेता है जो बहुत बहुत बड़ा संकट आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने और भारत ने और सभी देशों ने इन संकट को समझा है, और इसलिए 8 मिशन तय किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर जो 8 राष्ट्रीय मिशन हमारे हैं वो है राष्ट्रीय जल मिशन। जल का संकट आपने देखा 1947 और 2050 भारत का जो है जल, जो पेयजल है या खेती के लिए जो जल है उसकी मात्रा कितनी कम होने वाली है, 6000 से 1000 क्यूबिक फीट पे आ रही है। तो राष्ट्रीय जल मिशन इसलिए शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय सोलर मिशन, हमारे जो गलत टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण फैल रहा है उसको करेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय सोलर मिशन। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, भारत को हरा भरा वापस बनाना पड़ेगा, नहीं तो जलवायु संकट से जो है दूर नहीं हो सकते हम। इसी तरह राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए। जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन 5वां, और हिमालय की पारिस्थिति के टिकाऊपन पर राष्ट्रीय मिशन। हिमालय की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तिब्बत पर संकट पहले से ही छाया हुआ है और हिमालय तक चीन आ रहा है। चीन को मालूम है कि जो तीसरा विशुद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा उससे निपटने के लिए हिमालय पर कब्जा करना है। तो चीन का दूरगामी परिणाम का लक्ष्य है तिब्बत के अलावा हिमालय जो कि वाटर टावर है हमारे लिए। अगर हिमालय हिंदुस्तान से, हिमालय के जो ग्लेशियर्स गायब हो जाते हैं, बर्फ़ गायब हो जाती है, तो पूरा हिंदुस्तान, कम से कम उत्तर भारत पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, थार मरुस्थल राजस्थान की तरह, पूरा पानी हमारा वहाँ से आ रहा है। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि पर राष्ट्रीय मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर मिशन से हम क्या दूर करेंगे, जो पोल्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसकी जो गलती थी उसको दूर कर रहे हैं सोलर मिशन से। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्य इसमें आगे लीड ले रहे हैं और सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इस मिशन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, हमको भी बच्चों को सोलर के बारे में बताना। इसी तरह से ऊर्जा में दक्षता, एफिशिएंसी, हम जितनी ऊर्जा आज इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो कोयले की ऊर्जा हो या दूसरी हो, उसको भी हम एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका वेस्टेज ज़्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी में कैसे हम बढ़ोतरी करें जिससे हमारा जो बहुमूल्य डॉलर है जो हम पेट्रोल के आयात पर खर्च कर रहे हैं उसमें हम बचाव कर सकें, उसमें बचत कर सकें।
इसमें भी हमें देखने की बात है, स्विच ऑफ समथिंग की मैंने जो बात कही थी वो इस संदर्भ में कही थी, जो हमारे हाथ में है। हम छोटी छोटे, हमारे छोटे छोटे कदम हमारे स्टूडेंट्स के और हमारे इस देश की बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं, तो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि सातवां मिशन, और आठवां मिशन है टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन। ये धरती हमारे आवास के रूप में, धरती भारत माता, और हमारे शहरों में और गांवों में हमारे घर, आज शहरों के घर भी जो है टिकाऊ नहीं रहे। किस तरह से नहीं रहे हम जब उस आठवें मिशन पर आएंगे डिटेल में तब बात करेंगे। तो ये हमारे आठ मिशन है, ये मानव के अस्तित्व के संकट से बचने के मिशन है। भारत में तबाही नहीं आए, आने वाली पीढ़ियों को आराम मिले, वो ठीक तरह से इस धरती पर रह सके, इसके लिए ये मिशन तय किए गए। और हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इन मिशन में अपना अपना योगदान दे। आज सभी, खासतौर से टेक्निकल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षा और पैकेज, बच्चा परीक्षा दे रहा है, परीक्षा में लगे हुए, पीईटी की देनी है या आईआईटी की परीक्षा देनी है, किसी भी तरह से वो परीक्षा पास करनी है और उससे अच्छा पैकेज पाना है। और इस जो है मौजूदा ये प्रणाली है परीक्षा और पैकेज की, उसमें पर्यावरण बहुत पीछे रह गया, आप देख ही रहे हैं। लेकिन पर्यावरण ने हमारे लिए एक नई परीक्षा की घड़ी खड़ी कर दी है, नई परीक्षा यानी मानव अस्तित्व को बचाने की परीक्षा। मानव के अस्तित्व का सवाल है, तो उसको बचाने के लिए अब हमको कदम उठाने पड़ेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आपने देखी थी किस तरह तेजी से गिर रही है, ये भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया के देशों में यही हाल हो रहा है। और जिन राज्यों में अच्छा पानी है, पंजाब में या देखिए आप उत्तरांचल या दूसरे प्रदेश जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पानी की बर्बादी ज़्यादा है। राजस्थान में पानी को घी की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम राजस्थान में आप चले जाएं तो वहाँ आपको घी जो है खिलाने में खुशी महसूस करते हैं लोग, पानी के लिए वो कहेंगे आप पानी बर्बाद नहीं करें। मुझे याद है पिछले कुछ दशकों में जब हम गांव में जाते थे तो मीठे पानी का एक गिलास दिया जाता था, बाकी खारे पानी का, आप खारे पानी से आप हाथ धोइए। मीठा पानी जो वहाँ के लोगों ने बारिश से जमा करके टाकों में जमा करके वो पूरे साल उसको इस्तेमाल करते थे, वो एक बहुमूल्य चीज़ होती थी, और टाकों के ऊपर ताला भी लगाए जाते थे, पानी चोरी नहीं होना चाहिए, घी तो हम आपको पिला देंगे। ये स्थिति आज पानी का संकट वो घी की स्थिति जैसा ही हो रहा पूरे। हालांकि जोधपुर के नागरिक और दूसरे बड़े शहरों के नागरिक जहाँ इंदिरा गांधी नहर का और दूसरे नहरों का बांधों से पानी आ गया है, वो इस संकट को नहीं समझ पा रहे हैं। खासतौर से आज की पीढ़ी जो नल खोलते ही पानी आ जाता है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी का संकट कितना गहरा है। तो राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत हमको पानी बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, अगर पानी है तो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो पानी बचाने के लिए आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक बाल्टी से नहा सकते हैं तो 10 बाल्टी से मत नहाइए। आजकल चलन हो रहा है होटल्स में आप देखिए या हॉस्टल्स में आप देखिए पानी की बर्बादी। तो आप जो है इस वेस्टेज को रोकें, कैसे रोकें, शिक्षक से ज़्यादा बेहतर जो है शिक्षा और कोई नहीं दे सकता है बच्चों को। ये संस्कार स्कूल लेवल पर ज़्यादा इफेक्टिव है, आप कॉलेज लेवल पर भी बच्चों को कह सकते हैं। नल जहाँ पे टपक रहे हैं या फालतू नल खुले हुए हैं, और सिंपल टेक्नोलॉजी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आप टेक्नोलॉजी विकसित करिए, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के टीचर्स की जिम्मेवारी है, और जागरूकता की जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं है कि पानी चूँकि फ्री में मिल रहा है इसलिए वो इस संकट को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जागरूकता की जरूरत है। मतलब संकट कब आएगा, जब पानी एकदम खोलेंगे और नल में पानी नहीं आएगा, उस वक्त हम पीएचडी को गाली देंगे, या बिजली नहीं आएगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को गाली देंगे बिजली नहीं आ रही इसलिए पानी नहीं आ रहा है। लेकिन इस समस्या की जड़ में कौन है, हर एक नागरिक का योगदान है, हर नागरिक ने ये संकट पैदा किया है, बिजली बोर्ड ने या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, पीएचडी ने, या इरीगेशन डिपार्टमेंट की वजह से ये संकट नहीं है। वो तो इस संकट के समाधान के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं जितनी उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। हमको ये याद रखना होगा कि पानी का, ऊर्जा का और भोजन का संकट ये आपस में जुड़े हुए हैं, और क्लाइमेट का जो जलवायु का संकट है ये सब आपस में जुड़े हुए हैं पूरे देश के। ये इसमें आपको नजर आ रहा है एक भारत का फोटो, एक अलग तरह से फोटो इसमें दिखाया गया है। पूरी दुनिया के देश अपने देश की बाउंड्रीज की रक्षा के लिए उन पर मिसाइल्स लगा रहे हैं,
पूरी दुनिया भर में फैक्ट्रियां रॉकेट और बहुत सारी मिसाइलें और ये सब पैदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश की और दुनिया की जरूरत कुछ और है। ये इस फोटो के माध्यम से मैं संदेश जो है देना चाहता हूँ सभी नागरिकों को। तो जल मिशन के अंतर जरूरत और क्या है बचाने की, टाइगर को और पेड़ों को बचाने की जरूरत है, तो ही जल बचेगा। इंटर रिलेटेड है, ये आपस में जुड़े हुए। पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं अपने स्कूल के कॉलेज के कैंपस में, घर के बाहर, और ये संदेश दें। दूसरा है राष्ट्रीय सोलर मिशन। सोलर मिशन के मामले में राजस्थान सबसे ज्यादा खुश किस्मत है। 365 में से कम 300 दिन जो है क्लियर सनी डेज होते हैं, और सोलर पावर रिसेप्शन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी सोलर पावर जो है सूर्य भगवान हमको देते हैं। इसका इसका हम इस्तेमाल करें। ये सोलर मैप है इंडिया का, तो आप देखिए हिंदुस्तान के ऊपर प्रकृति खास तौर से मेहरबान है सोलर पावर के मामले में। आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए या जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स, बाकी पूरे भारत में भरपूर सोलर एनर्जी मिलती है, तो इसको हम प्रयोग में लें तो हमारी ऊर्जा का संकट खत्म हो सकता है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हैबिट्स और स्विच ऑफ समथिंग, और सोलर पावर को हम यूज करें तो 10 से कम हम जो है इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट की जो दिक्कत अभी हमें आ रही है। कल की राजस्थान पत्रिका में खबर थी कि एकदम से बिजली का जो है वो बिल, बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी गर्मी पड़ते ही, और पावर कटौती शुरू हो गई है। कटौती क्यों हो रही है इसके ऊपर हम नागरिकों को जागरूक करें। सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर सभी ब्रांच के टीचर्स, इलेक्ट्रिकल वाले तो डिटेल में बताएंगे ही, बाकी सिविल, मैकेनिकल, केमिकल सभी ब्रांच के टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये टेक्नोलॉजी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप जानकारी दीजिए। थार डेजर्ट का 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार ने रखा है, और उससे हम 700 से लेकर 2100 गीगावाट पावर जनरेट कर सकते हैं। तो रेगिस्तान में सोलर एनर्जी एक वरदान साबित हो सकती है। रिफाइनरी लगी एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन उससे भी एक बढ़िया स्टेप होगा सोलर को आप प्रमोट करें। सरकार जो है सोलर मिशन के अंतर्गत इसको इसको प्रमोट कर रही है। गुजरात में 900 मेगावाट फोटोवोल्टिक मेगावाट जो है पैदा की जा रही है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से। इसी तरह से रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन स्कीम भी गुजरात में शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने भी जयपुर और जोधपुर को सोलर सिटी जो है घोषित किया। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन का काम इन दोनों बड़े शहरों में शुरू होगा। नर्मदा कैनाल के ऊपर सोलर सोलर पैनल लगाई गई है। ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं। आप देखिए नहर के ऊपर पैनल लगा दिए तो नहर का पानी नहीं उड़ेगा, गर्मी के मौसम में पानी की बचत हो रही है और सोलर पावर भी जनरेट हो रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी हम दूसरे राज्यों में भी अडोप्ट कर सकते हैं। कैनाल ब्रांचेज पे राजस्थान में तो रेगिस्तान है, बंजर भूमि पड़ी है, उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान में, जो कि राजस्थान का राजस्थान देश का सबसे ज़्यादा सनियस स्टेट कहलाया जाता है, 400 मेगावाट का धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क 2012 में पूरा हो चुका है। 250 मेगावाट का प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है और दूसरे प्लांट भी जो है पाइपलाइन में है। ये जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, और हमारे जो मीडिया है वो भी अब इस तरह के क्लीन टेक्नोलॉजी के मिशन के ऊपर फोकस कर रहा है। आबू के शांति वन में देश का सबसे बड़ा सौर रसोई घर स्थापित किया गया था, ये एक हेडलाइन थी। उसमें 84 सोलर पैनल लगा करके 30,000 लोगों को खाना डेली बनाया जाता है, और वहाँ सोलर बिजली घर भी जो है स्थापित किया जा रहा है। सरकार भी जो है सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी तरह से ये प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे माउंट आबू में, इसी तरह से शिरडी के अंदर भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। तो आप और हम भी जो है इस तरह के प्रयास
अपने घर के लेवल पर, अपने इंस्टीट्यूशन के लेवल पर और दूसरे माध्यम से शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर स्टीम सिस्टम स्थापित किया गया और रोजाना 50,000 लोगों का खाना वहाँ बनता है और 1,00,000 किलोग्राम कुकिंग गैस की बचत इस वजह से हो रही है। तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन हम घर से लेके और संस्थाओं तक जो है उपयोग में लाएं, सोलर को बढ़ावा दें। भारत में 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर की योजना है। इसी तरह से सोलर के जो बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स, ड्राई हार्वेस्ट के लिए सोलर ड्रायर्स, इसी तरह बेंगलोर में रूफटॉप सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे जो है करीब 200 मेगावाट रोजाना एनर्जी इक्विवेलेंट जो है बचत हो रही है। अगर बेंगलोर में सोलर रूफटॉप सोलर वाटर हीटर नहीं होते तो 200 मेगावाट और बिजली उनको सप्लाई करनी होती, आप इसको इस रूप में देखिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 200 मेगावाट जो है बिजली वो डेली बचा रहे हैं और बेंगलोर देश में पहला शहर है जहाँ बिजली के बिल पर भी 50 रुपये प्रति मंथली बिल पर जो है 50 रुपये छूट दी जा रही है रूफ टॉप थर्मल सिस्टम लगाने वालों को, घरों के ऊपर भी। एक स्पेन में जो है 19.9 मेगावाट का एक गेमा सोलर सोलर प्लांट का एक दृश्य इसमें बताया गया है, 24 आवर जो है ये पावर सप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का 15 आवर्स स्टोरेज है। इस तरह के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये नेट के ऊपर भी उपलब्ध है, आप बच्चों को बताइए इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सोलर टेक्नोलॉजी भारत में तो अभी शुरुआत हो रही है, दूसरे देशों में किस स्टेज तक पहुँची आप देखिएगा, और भारत को भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ग्रीन और क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी है, इसको आपके माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। सोलर डिवाइसेस को हमें लाइट के रूप में इस्तेमाल करना है। NITTTR में इस तरह की लाइट्स मैंने देखी थी, आप कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक स्कीम है उसके माध्यम से भी आप इस टेक्नोलॉजी को जन जन तक, गाँव गाँव तक आप पहुँचा सकते हैं। सोलर की टॉर्च है, लेंटर्न है, इसी तरह सोलर टेक्नोलॉजी हीट वाटर हीटर के रूप में हीट करने के लिए आप अपने घर पे लगा सकते हैं, कॉलेज में भी लगाइए, लोगों तक पहुंचाइए, कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल करिए, तो आपकी गैस और बिजली दूसरी ऊर्जा बचेगी। इसी तरह से तीसरा जो मिशन है हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, भारत में फॉरेस्ट कवर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैठाना है, रेस्टोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है लेकिन हमें भी इसमें अपना रोल, बच्चों में जागरूकता और अपने घरों में और कॉलेज में हरियाले को बढ़ाने में, क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन सिंक का काम करते हैं, जितना कार्बन हम वातावरण में छोड़ रहे हैं अपनी आधुनिक लाइफस्टाइल से उसको कम करने के लिए हरियाली हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक तरीका ये है, एक तो हम डीजल पेट्रोल कम फूकें, वो भी अपनी हैबिट बदलें, और जितना वातावरण में कार्बन जा रहा है उसको फ्री में पेड़ पौधे लेते हैं तो हम पेड़ पौधे उगाए तो ऑटोमेटिकली कम कॉस्ट के ऊपर कार्बन कंटेंट वातावरण में कम जाएगा तो क्लाइमेट चेंज पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो पेड़ पौधे जो है ग्रीन कवर को हम बढ़ा करके 43 मिलियन टन जो है ग्रीन हाउस गैसेस को पर ईयर कम कर सकते हैं, और फॉरेस्ट से हमारी हेल्थ भी बढ़ेगी। जो मेडिकल बिल देश का बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही, क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो बीमारियाँ बढ़नी है, हवा पानी दूषित हो रहे हैं, तो रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी वृक्ष सुरक्षा, वृक्ष सुरक्षा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का इससे सस्ता कोई तरीका नहीं हो सकता है। और हमारे पुराणों में ये कहा गया एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है, मतलब एक पेड़ हमें जितनी फ्री सर्विस दे रहा है, एक पेड़ अपने लाइफ स्टाइल में 50 साल उसकी एवरेज लाइफ बने तो कम से कम 1 करोड़ रुपये की फ्री सर्विसेज दे रहा है, 1 करोड़ रुपए की फ्री सर्विस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर उस ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से अगर लें तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, फ्री ऑक्सीजन। बारिश करा रहे हैं तो फ्री पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन यानी हवा पानी और भोजन, इन्हीं की वजह से हमें भोजन मिल रहा है, उसकी कॉस्ट आप लगाइए तो हवा पानी भोजन और बिजली। पेड़ है तो हमारे बांध में पानी है तो बिजली पैदा हो रही है और हमारे घर पर बिजली आ रही है, तो ये इनकी सारी सर्विसेज, वातावरण की एयर कंडीशनिंग करते हैं, आप
आप जो गर्मियों में आप पेड़ के नीचे आप बैठिए, पेड़ से दूर जाए तो आपको महसूस होगा कि कितनी एयर कंडीशनिंग ये करते हैं, कम से कम 5 डिग्री टेम्परेचर को ये डाउन करते हैं। अगर वो जो है टेम्परेचर आप जो है डाउन एसी से करेंगे या दूसरे माध्यम से करेंगे तो आपकी कितनी बिजली खर्च होगी, तो वो आप सर्विसेज लगाइए। फिर फर्टिलाइजेशन, पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं और उससे जो खाद पैदा होती है उस खाद की कीमत, फर्टिलाइजर जो है फ्री फर्टिलाइजर है, तो आपका जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बच रहा है उसकी आप कीमत लगाइए। इस तरह की सारी सर्विसेज पेड़ की आप लगाएंगे तो 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट बैठती है। तो पेड़ पौधों को हम ख़त्म करके हमारे नेशनल बजट को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, नेशनल जो है लेवल के ऊपर जो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए ऊर्जा के लिए और इन तमाम सर्विसेज के लिए, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अभी पहले घाटे का बजट है। चौथा मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जंगल हमें बचाने, खेती बचानी, 121 करोड़ लोगों को के खाद्यान्न की समस्या का हल हमें, आज भले ही आप कह सकते हैं कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं स्टोरेज के लिए, हमारे पास स्पेस नहीं है, लेकिन ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, अवस्था है। अगर क्लाइमेट चेंज की यही स्थिति रही, इसी तरह की ट्रेंड आगे रही, तो हम इतना अनाज इस धरती से पैदा नहीं कर पाएंगे और क्लाइमेट रिफ्यूजीज की एक नई क्लास पैदा हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी, इक्विटेबल एसेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हमारे लिए एक संकट की स्थिति होंगे। फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया है इन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं रहने वाली है अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से होती रही। और इस परिस्थिति में हमारा जो CDTP का रोल है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में एक मददगार साबित हो सकती है। हमें लोगों को जो है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे करें, टिकाऊ कृषि कैसे हो, वातावरण चेंज हो रहा है उसमें हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और कौन सी फसलें इस्तेमाल करें, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पॉपुलराइज करने के लिए हमारे तरीके हैं। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कृषि का संकट, राजस्थान में बाजरा पैदा होता था, आज वेस्टर्न राजस्थान में बाजरे की जगह गेहूं उगाया जाता है और पंजाब गेहूं के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया में और देश में, आज पंजाब में चावल उगाया जा रहा है। और पूनिया साहब ने ऊंट के बारे में बताया था, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान की 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं, ऊंट, बाजरा और भेड़। लेकिन आज राजस्थान में बाजरा खत्म हो रहा है, भेड़ भी कम हो रही है और ऊंट का अस्तित्व खतरे में है। पूनिया जी ने कहा था कुछ ऊंट बचे हैं कहाँ पे, जू में, उनके एक सेशन में आपने देखा होगा, जू में ऊंट का एक बच्चा अपनी माँ से कुछ सवाल कर रहा है और वो चिंतन कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें रेगिस्तान में होना चाहिए। लेकिन आदमी जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो इन सब जीव जंतुओं को या इन फसलों को वहाँ से ख़त्म कर रहा है। राजस्थान में अगर हम गेहूं उगाएंगे बाजरे की जगह तो पानी की खपत ज़्यादा होगी और पानी का संकट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जहाँ पे जो चीज़ उगती है वहाँ वो उगानी चाहिए, पंजाब में गेहूं, राजस्थान में बाजरा, उत्तर प्रदेश और बिहार आसाम में चावल, या कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे चावल। लेकिन आदमी की जो लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स जिस तरह से बदल रही हैं उस वजह से आदमी मजबूर हो रहा है राजस्थान में गेहूँ उगाने के लिए, तो वो अपने लिए पानी के संकट को न्योता दे रहा है। बाजरे के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बारिश में उग जाता है। पंजाब के वातावरण में गेहूँ बहुत अच्छा उगता है लेकिन वहाँ 10 गुना पानी की खपत वाले हम चावल उगा रहे हैं। तो ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनमें भी आपस में तालमेल नहीं है और इस वजह से संकट हो रहे हैं। कृषि विभाग से आप पूछोगे तो वो इनका पक्ष लेगा, पर्यावरण विभाग कुछ और कहेगा। तो क्या किया जाना चाहिए, हमारी जो देसी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इन फसलों के, उनको हमें बचाना है। अमेरिका और दूसरे देश हमारे यहाँ की जितने भी तमाम बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो
जीव जंतुओं की और ये पेड़ पौधों की फसलों की वो अपने वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं जीन, उनको मालूम है कि यहाँ खत्म होने वाली है ये सारी चीजें, क्योंकि हम तो हाइब्रिड सिस्टम में आ रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो हेरिटेज है, जो विरासत है पुरानी, इसको हमें बचाना पड़ेगा, और खेती में हमें पानी की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें किसान को भी जागरूक करना है कि आज हम कौन सी फसलें कम पानी में उगा सकते हैं, ताकि जो बहुमूल्य हमारा जल है उसको हम किस तरह से बचाएं। खाद्यान्न की बात आ रही है, आज हमारी पार्लियामेंट हो या स्टेट्स हो, सभी आदमी के हिसाब से वहाँ बहस चलती है। लोगों को हम जो है खाना कैसे कम पैसे में खाना कैसे उपलब्ध करा सकते हैं या पानी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, ये हमारी सभी जो है विधानसभाओं में या संसद में ये बहस का विषय होते हैं। लेकिन इस स्लाइड में ये बताना चाह रहा हूँ, और दूसरे जीव जंतु भी, ये एक प्रतीक रूप में बता रहा हूँ, दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। उनके लिए पानी का संकट उनके लिए भी है, वो जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, पानी का संकट है उनके लिए, खाद्यान्न का संकट भी है। उनका सारा पानी तो हम शहरों में लेके आ गए हैं नहर बना के या पाइपलाइन बना के, और ये जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, और ये जीव जंतु खत्म हो रहे हैं इसलिए आदमी भी खत्म हो जाएगा। महामारी इसी वजह से आ रही है, तमाम तरह की प्रकृति रिवोल्ट इसी वजह से कर रही है। सोइल कंजर्वेशन, मिट्टी हमारी जो कट रही है, बहुमूल्य मिट्टी, मिट्टी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है शहरों में खास तौर से। मिट्टी अगर कट जाएगी, जो ऊपर की जो मिट्टी की परत है उपजाऊ मिट्टी, वो अगर खत्म होगी तो इसमें इस धरती में कुछ उगने वाला नहीं है, सारा कुछ रेगिस्तान हो जाएगा। इसी तरह बायो फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मिट्टी की हेल्थ जो है ख़त्म हो जाएगी, और इस धरती पे आज जो कुछ उग रहा है उससे कई गुना कम खाद्यान्न मुश्किल से उग पाएगा। और वुमेन सेंट्रिक एडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमें चलाने होंगे, ये हमारे इस मिशन के अंतर्गत है। इन मिशन को मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ, उन विभागों डिटेल में वो विभाग कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक टीचर के नाते और एक विद्यार्थी के नाते हमारे भी कर्तव्य हैं, और हम भी इनको अगर योगदान नहीं देंगे, इनको सहयोग नहीं करेंगे तो ये सारे मिशन फेल हो जाएंगे। तो इन टेक्नोलॉजी, इन मिशन को हमें डिसमिनेट करना है, और जैसे जो पंप की टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल के हमारे टीचर्स या स्टूडेंट्स जो है वो बताते हैं, पंप को हम वीमेन फ्रेंडली कैसे बनाएं, पंप की जो टेक्नोलॉजी है एनवायरमेंट फ्रेंडली और वीमेन फ्रेंडली, उसको हमें उस टेक्नोलॉजी को पैदा करना है और उसको डिसमिनेट करना है, उन लोगों तक उस टेक्नोलॉजी को पहुँचाना है, तो हम हमारी खेती को उन्नत कर पाएंगे और पानी भी बचा पाएंगे। इसी तरह से एफिशिएंट, सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो मेथड्स है पेस्ट मैनेजमेंट के, कीट पतंगों मैनेजमेंट के, हमारी फसलों पर ये जो पर्यावरण का जो संकट है उसकी वजह से फसलों पे भी संकट आ रहा है, नई नई तरह के कीट पतंग पैदा हो रहे हैं, उनसे भी हमें निजात पानी है, तो इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। पांचवा मिशन, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन, ये मिशन बाकी के जो 7 मिशन है उनमें सहयोग के लिए, मतलब इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, और इन डिफरेंट मिशन, जो पानी का मिशन है या कृषि का या हरित भारत का या कृषि का मिशन है, इन सब के लिए विश्व स्तर पे क्या हो रहा है, इनके लिए जो है ज्ञान जुटाना और उनको गाइड करना, ये इस जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के 5वें मिशन का कर्तव्य है, और ये हमसे भी जुड़ा हुआ है। आज हम आपस में इस सेशन में विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये नॉलेज इन मिशंस का हम स्टूडेंट तक ले जाएं और आम नागरिक तक ले जाएं, उसका उद्देश्य यही इस 5वें मिशन के अंतर्गत है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं और एक्शन प्लान के जो 7 दूसरे मिशन हैं उनको हम सपोर्ट दें अपने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के माध्यम से, आपस में हम विचार में विमर्श करके ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं इनको किस तरह से हम जो है कम कर सकते हैं, ताकि जो संकट शुरू की स्लाइड्स में आपने देखे थे, उन संकट से आने वाली पीढ़ियों को और हमको मुक्ति मिले।
अगला मिशन है हिमालय की परिस्थिति के टिकाऊपन पर राष्ट्रीय मिशन। हिमालय का जैसा कि मैंने बताया हिमालय संकट में है, हिमालय से हिमालय के ग्लेशियर हैं वो संकट में है। आज 110 चोटियां हिमालय की 24,000 फीट से ऊंची हैं। हाइट में इसलिए बताना चाह रहा हूँ, 24 जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा पानी, पानी वहाँ स्टोर है। दे आर वाटर टावर्स। 3,000 किलोमीटर लंबा हिमालय हमारे हिंदुस्तान के लिए जीवनदायिनी एक रेखा है। हमारी जितनी नदियाँ हैं वो सभी इससे निकल रही हैं। भारत का 16% ज्योग्राफिकल एरिया और 1/3 फॉरेस्ट कवर हिमालय में। हिमालय खत्म होता है तो हमारा वो ग्रीन कवर भी खत्म होता है। हमारी नदियों का पानी खत्म होता है तो हमारे सारे राज्य, उत्तर भारत के राज्य जो हैं उनको उनके लिए पानी का संकट और उनकी फसलें नष्ट होने का संकट पैदा होता है। और बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हिमालय से वो उसका क्या होगा? भाखड़ा डैम हमारा सूख जाएगा, पेड़ पौधे वहाँ ख़त्म होते हैं हिमालय के ऊपर, तो भाखड़ा बांध और दूसरे जो बांध है उनमें सिल्ट जमा हो जाएगी और वो बिजली पैदा करने लायक या खेती के लिए या नहरों के लिए पानी के लायक वो नहीं रह जाएंगे। तो पानी आज जो जोधपुर में या पंजाब के दूसरे शहरों में, हरियाणा में जो पानी आ रहा है हिमालय से, वो पानी नहीं आएगा तो पेयजल संकट सबसे बड़ा संकट होगा। खाने का संकट तो बाद में होगा, पीने के पानी का बड़ा संकट हो जाएगा, वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और दूसरे जो एशियन कंट्रीज हैं वो भी हिमालय के ऊपर निर्भर हैं, उनकी जो सलविन, मेकोंग, यांगत्सी और हुआंग नदियाँ हैं वो सब इसी से निकल रही है। हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना जो दूसरी नदियाँ साउथ एशिया और भारत के लिए जीवनदायिनी है, वो सारे हिमालय के ऊपर निर्भर है। तो हिमालय के जंगल खत्म होने से और ग्लेशियर खत्म होने से साउथ एशिया में सबसे बड़ी तबाही आनी है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है, आज एशिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यटक वहाँ जाते हैं, अपना सारा कचरा वहाँ छोड़ के आते हैं। पिछले 200 साल में, 1971 से पिछले 200 साल में 2 किलोमीटर ग्लेशियर ये पीछे खिसका था, और पिछले सिर्फ 25 साल में 850 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर, 25 साल में 1 किलोमीटर और 200 साल में 2 किलोमीटर। आप देखिए कि मानव सभ्यता की प्रोग्रेस के साथ में ग्लेशियर के ऊपर संकट कितना तेजी से बढ़ा है। ये बहुत बड़ा संकट है। ये फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप देखिए, चौंकाने वाला फिगर है ये, एक महज एक छोटा सा फिगर नहीं। 200 साल में आदमी का जो इम्पैक्ट था ग्लेशियर पे सिर्फ 2 किलोमीटर और पिछले 25 साल में लगभग 1 किलोमीटर। तो आधुनिक मानव कितनी तबाही ला रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के रेड सिग्नल्स हैं। साउथ इंडिया में या राजस्थान के लोग या मध्य प्रदेश के कह सकते हैं कि हिमालय से हमें क्या संकट है, हिमालय से पूरे भारत पर संकट है। आप देखिए 15 करोड़ लोग इन पहाड़ों में या हिमालय या हिमालय के फुटहिल पे निवास करते हैं, 30 करोड़ लोग इसके आसपास के जो मैदानी इलाके हैं उनमें निवास करते हैं, यानी 45 करोड़ लोग हिमालय के ऊपर निर्भर हैं अपने पेयजल की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न के लिए और तमाम जरूरतों के लिए हिमालय के ऊपर निर्भर है। हिमालय का पानी और हिमालय के ग्लेशियर खत्म होते हैं तो 45 करोड़ लोगों का संकट, यानी ये 45 करोड़ पर्यावरण रिफ्यूजी होंगे, एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज। ये लोग कहाँ जाएंगे? इस देश की, नॉर्थ इंडिया की जो तमाम असेंबलीज हैं उनके में बहस का ये एक विषय रह जाएगा, और हमारी राष्ट्रीय जो संसद है उसमें भी एक विषय रह जाएगा। 45 करोड़ लोगों का संकट छोटा संकट नहीं होता है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस होगा, इंडियन क्राइसिस नहीं होगी। तो हिमालय को बचाना हमारे लिए कितना बड़ा एक काम है, ये इसकी बायोडाइवर्सिटी को, इनके ग्लेशियर्स को। हम अपने कुछ दिन की जो पर्यटन है ना, पर्यटक बन के जाते हैं हम वहाँ आनंद लेने के लिए, हरे भरे और बर्फीले वातावरण का, लेकिन हम वहाँ एक संकट पैदा करके आते हैं। वहाँ प्लास्टिक की चीज़ें और दूसरी चीज़ें छोड़ के आते हैं, या वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़कता होता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा, वहाँ की अपनी जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, और टेक्नोलॉजी, वहाँ जो हम टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं भेज रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में और देश में जो हम प्रदूषक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हिमालय के इन लोगों के पास भी वही टेक्नोलॉजी जा रही है, मॉडर्नाइज इकोनॉमी की, और उससे हिमालय के ऊपर एक बड़ा संकट आ रहा है।
और 2035 के लिए अनुमान है कि 2035 में ये ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इन 45 करोड़ लोगों के लिए 2035 खतरे की घंटी है। तो हम हमारे कॉलेजों में और पॉलिटेक्निक्स में कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं इस संकट के बारे में, अगर हम उनको नहीं बताएंगे और जागरूक नहीं करेंगे और इस संकट को 2035 से आगे आगे नहीं खिसकाएंगे, तो आपकी जो सारी जो कोशिशें हैं कि एक बढ़िया सी डिग्री या डिप्लोमा और बढ़िया सा पैकेज, ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। 2035 की जो स्लाइड दिखाई है उसके नीचे एक स्लाइड है, ये उत्तर प्रदेश के मैदान का हाल ये होगा। ये रेगिस्तान में ऐसा होता है, आप देखेंगे धूल भरी आंधी चल रही है और लोग जो है उसमें जा रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान में, ये हाल पूरे उत्तर भारत का हो जाएगा। और समुद्र में जो उफान आएगा इस वजह से, तो उससे हमारे जो कोस्टल स्टेट हैं उनको भी, उनकी नींद भी हराम हो जाएगी। सुनामी और ये संकट, जो चक्रवात के संकट गुजरात और उड़ीसा में जो आए थे पिछले सालों में, वो संकट हिमालय के ग्लेशियर खत्म होने से कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो हिमालय का संकट पूरे भारत का और पूरी दुनिया का संकट होगा। थ्रस्ट एरिया जो इस मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार सोच रही है कि माउंटेन वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाए, और हिल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो प्रैक्टिसेज है उनमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस को जो है बढ़ावा दिया जाए, आपकी CDTP स्कीम जो है इस पर काम करना चाहिए, और हिमालय का जो फॉरेस्ट रिसर्च है, कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इको टूरिज्म, ये जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कार से हिमालय पर पहुँचना चाहते हैं, ये भी एक संकट का जो है, इस संकट को बढ़ाने का काम करता है। और जेंडर इक्विटी, सोशल एम्पावरमेंट, ये भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट, आज तक के हमारे जितने एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली जो हैबिट्स हैं और टेक्नोलॉजी हैं उनसे जो हम तबाही मचा रहे हैं, उस वजह से जो सोशल संकट और जेंडर इक्विटी अनइक्विटी का जो संकट है वो भी इसमें आग में घी का काम कर रहा है। इसके ऊपर भी हमें शिक्षा देने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को शिक्षित करने की ज़रूरत है। और नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, पिछले साल से हमारे पास इस मिशन के अंतर्गत ही राजस्थान सरकार से चीफ सेक्रेटरी से एक लेटर आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है सेल स्थापित किए जाए हर जिले में, हर कॉलेज में। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने भी ये लेटर सारे कॉलेजेस को लिखा था कि वहाँ पर एक कमेटी बनाएं, वो कमेटियाँ बन गई हैं, कितना काम कर रही हैं, ये इस लेक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए और क्लास में लेक्चर के साथ साथ ये एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। आप एक्सटेंशन लेक्चर के माध्यम से, आप इनफॉर्मल प्रोग्राम के माध्यम से, या आप अपने जो रेगुलर लेक्चर हैं उनके माध्यम से बच्चों में और स्टाफ में, सबके अंदर, आसपास की जो पब्लिक है उसमें भी ये जागृति लाने का काम करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। पिछले जो है ऊर्जा दक्षता वृद्धि पर राष्ट्रीय मिशन, ये ICT का जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैं भी पुराने टेक्नोलॉजी का जो है टीचर रहा हूँ, मैं भी ये सीख रहा हूँ अब। मैडम से पूछ के जो है एक दो स्लाइड आगे निकल गई थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 6 मिशन आपने देखे, ऊर्जा दक्षता वृद्धि का राष्ट्रीय मिशन ये 7वां मिशन है। मतलब हम घर से लेकर के कॉलेज तक और खेत तक ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%।
और इस वजह से भी बहुत तबाही आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, हम अगर 70-80 या 90% हमारी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट होने देंगे तो हमारा जो पेट्रोल का बिल है वो बढ़ना ही है। फिर हम 6 से 9 सिलेंडर की गैस के सिलेंडर की बात करें और फिर 12 सिलेंडर के लिए हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन हम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब बचाने के लिए, गैस को बचाने के लिए या बिजली को बचाने के लिए या पेट्रोल को या डीजल को बचाने के लिए, इसमें हर नागरिक का एक कर्तव्य है। और हमारे बीइंग टेक्निकल टीचर हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा हो जाती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि किस तरह की जो है व्हीकल में या किस तरह की मशीनरी में कितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है और हम नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करें या उस एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ाएं। ये हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व हो गया है, बहुत बड़ा कर्तव्य हो गया है। परीक्षा में 5-8 में से 6 सवाल या 5 सवाल पास करना एक बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन ये जो परीक्षा है ये बहुत बड़ी परीक्षा है। इसके लिए हमें खुद को तैयार होना है और साथ में बच्चों को भी तैयार करना है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो आधी दुनिया है महिलाओं की, बच्चियों की, उसको स्ट्रांगली इन सब से जोड़ना है और उनको ज़्यादा स्ट्रांग करना है इसमें। क्योंकि आज जो है ये 2035 का जो मैंने संकट बताया है, हिमालय के ग्लेशियर 2035 में ख़त्म हो जाएंगे, अगर ये जो आधी आबादी नहीं होती तो ये 2035 की बजाय 2012 में ये सारे ख़त्म हो गए होते। आज भी हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और वो हिंदुस्तान को ज़्यादा बचा सकती है। तो हमें उस नई पीढ़ी के अंदर, इस नई पीढ़ी में भी ये संस्कार लाने हैं, उनको ये बताना है, उनको और मजबूत करना है, उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है। तो ये 2035 का साल है, हमें 2070 या 2100 या और आगे जो है बढ़ा सकते हैं। ये संकट के सालों को जो है, ये जो रेड सिग्नल है इसको दूर कर सकते हैं, ग्रीन सिग्नल बदल सकते हैं। इस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि प्रकृति है हमें सब कुछ फ्री में दे रही है। महिलाएं हैं, उनकी जो सर्विसेज है वो हमें फ्री में मिल रही है, घर पे हो चाहे कहीं और हो। इसलिए फ्री की किसी सर्विस का हम महत्व तो नहीं समझ रहे हैं। फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में हमें हवा मिल रही है। महिलाओं की घर पे जो सर्विस है उसको आप लगाएं, उसकी आप कॉस्ट लगाएं ना। तो जैसे मैंने पेड़ की कॉस्ट बताई थी कि एक पेड़ अपनी लाइफ स्टाइल में 1 करोड़ की सेवाएं फ्री दे रहा है, इसी तरह महिलाएं भी आपको जो सर्विस दे रही हैं, इस पर्यावरण को जो सर्विस दे रही हैं, वो अमूल्य सेवा है। उसको हम और आप समझ नहीं रहे, उसको पूरा महत्व देने की जरूरत है। तो जैसे CFL का इस्तेमाल करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सभी जानते हैं। पॉलिटेक्निक का टीचर या इंजीनियरिंग का टीचर हनुमान है, मैं ये मानता हूँ, और उनमें बड़ी ताकत है। ये सारी चीज़ें वो बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। मेरा चंडीगढ़ आने का उद्देश्य ये है कि मैं उस हनुमान को, उसकी ताकत को याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप में जितनी ताकत है उतनी शायद ही किसी में होगी। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग टीचर में जितनी ताकत है इस देश को बदलने की, उतनी हमारे इंजीनियर्स में और इवन नेताओं में या दूसरे ऑफिसर्स में या दूसरे लोगों में नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी बातें बच्चों में संस्कार रूप में डाल के कि आप जो है, आपका जो बल्ब है उसको आप CFL से बदलें, सोलर डिवाइसेज को इस्तेमाल करें, आप ग्रीन बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, इस तरह की गाइड आप सिविल और आर्किटेक्चर वाले टीचर्स दे सकते हैं, दूसरे टीचर भी दे सकते हैं। आपका कंप्यूटर जब काम में नहीं आ रहा है तो उसको आप बंद कर दें, ऑन नहीं रहे तो उससे भी आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी हैं। मैं चूँकि समय कम है, ये जो पर्यावरण बचाने का जो हमारा अभियान है ISTE के माध्यम से हम पूरे साल भर चलाते हैं। NITTTR के डायरेक्टर साहब ने, मैडम PK तुलसी ने और स्टूडियो के इसके जो है ETV के हेड प्रोफेसर पटनायक साहब ने, इन सब ने मुझे मौका दिया। तो मैं आपको जस्ट इंड्यूस करने के लिए आया, ये 1-1.5 घंटे का समय जो है बहुत कुछ करने का नहीं है, जस्ट एक स्पार्क जो है पैदा करने के लिए है, और वो उतनी एनर्जी उसके बाद आप सब में है। आप हनुमान जी हैं और आप बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। अगर ये देश बचना है तो हमारे देश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बचा सकते हैं, और कहीं से मुझे ज़्यादा उम्मीद, उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। औरों को भी आप गाइड करेंगे तो शायद कुछ बचेगा। और आप उनको कॉन्स्टेंटली ये कहिए कि क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंज्यूम्पशन, सीवियर वेदर इमरजेंसी, क्लाइमेट की जो इमरजेंसी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, ये सब आ रहे हैं। तो ये इस वजह से आ रहे हैं, ये जो
वेस्टफुल हैबिट्स है, वेस्टफुल टेक्नोलॉजी और गलत टेक्नोलॉजी उसकी वजह से आ रही है। आप उनको जागरूक करेंगे और उनके आदतों को बदलेंगे तो ये दुनिया आप जो है 5 साल के अंदर लाइन के ऊपर ला सकते हैं। ये रेड सिग्नल को ग्रीन सिग्नल में आप 5 साल में बदल सकते हैं, और नहीं तो ये 50 साल में नहीं बदलेगा। 2035 की जो इमरजेंसी मैंने बताई वो 2018 में भी आ सकती है, 20 में भी आ सकती है। वो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि डिफरेंट गति से डिफरेंट लोग जो है किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, तो वो टोटल जोड़ करके वो 2035 का एक जो आंकड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्रीनलैंड के हों या हिमालय के हों। और गेटवे ऑफ इंडिया 2020 में इस तरह का नजर आता, हो सकता है 2015 में आ जाए, और हो सकता है हम सब लोग जो है अच्छी शिक्षा सब बच्चों को दे दें और सबकी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, तो ये इस तरह का दृश्य 2070 में या 2100 में आए, या हो सकता है कि हम पूरी तरह इसको टाल दें, ऐसा ना आ पाए, ये पॉसिबल है। तो ये हम समझें और ग्रीन इकोनॉमी को और उसमें महिलाओं की भागीदारी को हम पूरी तवज्जो दें, उनको पूरी जो है अहमियत दें। आठवां मिशन टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन। इन स्लाइड्स में मैंने कुछ चित्र आपको दिखाए, हो सकता है वहां सेंटर्स पे नजर आ रहे हैं, सब जगह साफ नजर आ रहे हैं, ये प्रतीक रूप में है ये चित्र दिखाने के। हाँ, सब जगह आपको साफ दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ जगह साफ नहीं नजर आ रहे हो, ये प्रतीक रूप में है। और मैं ये कहना चाहता हूं इन चित्रों के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें, कमी है तो सिर्फ सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर आप संवेदनशील इनको बना देंगे तो अपने आप ये धरती बच जाएगी। और जब व्यक्ति इन मुद्दों के प्रति, इन जीव जंतुओं के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है तो ये संकट ज्यादा बढ़ते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु और महेश ये ट्रिनिटी, ये कंसेप्ट है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को पैदा किया, विष्णु पालन कर रहे हैं, और महेश क्या करते हैं, इसको नष्ट करते हैं। कब? जब ये लगता है कि ये सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया है, इसको पूरे को साफ करो, दोबारा से क्रिएट करना। तो आज की जो परिस्थितियां आदमी ने वो देश जी वाली परिस्थिति में ला दी है, मतलब पर्यावरण के संकट हमने इतने पैदा कर दिए हैं कि महेश जो है अपना तांडव प्रकृति के रूप में, जो विभिन्न आपदाओं के रूप में वो तांडव दिखा रहे हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है। और ब्रह्मा जी भगवान ने पावर 3 जगह बांटी, ब्रह्मा को क्रिएट करने की पावर दी, विष्णु को पालन करने की, और महेश को उसे खत्म करने की। तीनों पावर एक जगह नहीं रखी है, 3 सेंटर बनाए। तो इसी तरह से आप हमारे सिस्टम्स में भी देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम्स में भी पावर का जो है, शक्तियों का विभाजन है। तो मैं इस माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम में ये तीनों पावर हम में एक व्यक्ति में नहीं है, ना एक टीचर में, एक स्टूडेंट में। हो क्या रहा है हमारे सिस्टम में कि हम ही जो है क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम ही पालनहार, हम ही खत्म करने वाले, यानी निर्णय में हम ही देना चाहते हैं। जो पावर हमको नहीं है वो भी हम ही जो है बताना चाहते हैं। हर नागरिक जो है जज का काम भी कर रहा है, वकील का काम भी कर रहा है, और जो एक नेगेटिविटी पूरी दुनिया में और पूरे देश में फैल रही है, आप कहीं भी चले जाइए ज्यादातर लोग 100 में से 90 लोग जो है क्रिटिसाइज करते मिलेंगे, ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली बोर्ड जिम्मेवार है, पानी नहीं आ रहा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोर्ट पीएचडी डिपार्टमेंट जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है। मतलब कोई व्यक्ति ये कहते हुए मैंने नहीं सुना कि मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज के लिए। अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं जानता, मेरे सब अधिकार की बात करते हैं, मूल कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से ये संकट बढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति इनसेंसिटिव हो गया है, वो सारे दोष दूसरे के ऊपर डाल रहा है, अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेना चाहता, अपनी गलती, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। गांधी जी ने कहा था कि मेरे प्रत्येक कर्तव्य से दूसरे नागरिक के ऊपर कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, ये सोचने की बात गांधी जी ने कही थी, लेकिन आज वो सोच गायब हो रही है। तो इन स्लाइड्स में मैंने जो चित्र जो दिखाए हैं वो सेंसिटाइज करने के लिए है। टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन के ऊपर हम थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन, ये जापान का चित्र है, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, जापान का एक शहर तबाह हो गया,
ये दृश्य पूरी दुनिया में आपको विभिन्न शहरों के देखने वाले हैं। इसको जापान का आप नहीं माने, ये दृश्य हमारे जोधपुर का हो सकता है, बॉम्बे का हो सकता है, चेन्नई का, कलकत्ता का, कहीं का भी हो सकता है। और ऐसे दृश्य आम हो गए। जयपुर जुलाई के अंदर जयपुर का ये दृश्य था, कुछ कॉलोनियों का, कॉलोनियों में पानी भर गया। फिर मीडिया ने भी कहा, मीडिया ने जम के सरकार को कोसा था कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ घुटनों घुटनों रोड के ऊपर 4 फीट पानी भरा हुआ है। वो आदमी जो है मीडिया वाला जाके वहां के दृश्य दिखा रहा है, वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये संकट है, ज्ञान नहीं, ये संकट क्यों हुआ। ये संकट सिर्फ सरकार के कारण नहीं हुआ है, ये संकट हम सब के कारण हुआ है। आस पास के सारे जंगल तो खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए तो पानी यहाँ भरना है। नदी और नालों के रास्ते हमने रोक लिए हैं, अतिक्रमण हो गए हैं, हर जगह नदी नाले के अंदर तक हमने घर बना लिए। तो ये सोचना, ये जापान का दृश्य नहीं, भारत का भी होता है। संकट, आवास का संकट सबके सामने है, जीव जंतुओं पे भी है, इन जंतुओं के ऊपर भी आवास का संकट है। ये धरती हमारा एक सही आवास बनी रहे, ये एक बड़ा संकट है। और सिर्फ, जैसा पहले भी मैंने बताया, सिर्फ एक ही ग्रह है जो कि हमारे रहने लायक है, जो आदमी के और सब जीव जंतुओं के रहने लायक यही ग्रह है। तो इसको, इसकी सारी तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ में बचा के रखना हमारी जिम्मेवारी है। और जो क्लाइमेट चेंज का संकट आ गया है, उससे कैसे बचे रहे। अब ये एकदम कोई संकट पर काबू पाया नहीं, जैसा धीरे धीरे पाया जाएगा। जब इतने सालों से हम बिगाड़ रहे हैं, तो तत्काल ओवरनाइट हम जो है इससे संकट से निजात पा नहीं सकते हैं, धीरे धीरे होगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्रीन हाउस गैसेज की जो मात्रा वातावरण में बढ़ा रहे हैं, उनको घटाएंगे अपने विभिन्न एक्शन से, स्विच ऑफ समथिंग से लेकर के कम पानी इस्तेमाल करना, कम खाना और बर्बाद नहीं करना। कम खाने का आप कहेंगे कि आप तो ये जो है जाति कर रहे हो, शास्त्री जी ने कह दिया था सोमवार का व्रत रखेंगे, वही संकट समझ गए थे बहुत पहले। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सोमवार का व्रत रखिए। तो कम पीना और कम खाना, ये उनका जो नारा था, उसको मैं आज वापस दोहरा रहा हूँ। वो संकट उस टाइम कम था, आज और ज़्यादा हो गया है। और उससे ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, थाली के अंदर जो है वेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये आज हम प्रण लें और हमारे बच्चों को भी सिखाएं। और क्लाइमेट चेंज की जो एडेप्टेशन की जो कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा हाई होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन उस रूप में नहीं निकालिए। एक हमारे इंजीनियर ने ये कहा था, मेरा ऑफिस एसी है और मेरी गाड़ी भी एसी है और मैं घर भी एसी बना दूंगा, तो प्रदूषण की समस्या से जो है हल मिल जाएगा। मैं समझता हूँ ये हमारा समाधान का तरीका नहीं है। इस तरह से आप 121 करोड़ लोगों को नहीं बचा सकते हैं कि घर भी एसी, ऑफिस भी एसी, गाड़ी भी एसी, सब कुछ एसी। मैंने उस इंजीनियर को ये जवाब दिया था कि जो ही आप गाड़ी से निकलोगे और ऑफिस तक पहुँचोगे, तो इस बीच में इतना पोल्यूशन होगा कि आप वहीं पे धराशायी हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे महेश है ना, वो आपके इस सोल्यूशन को जो है नकार देंगे। आप वहाँ एसी में भाग के भी नहीं पहुँच सकते। जैसे आदमी ऑक्सीजन बूथ बना रहा है, भाग के जो है यहाँ से गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऑक्सीजन बूथ में 5 मिनट बैठ के आ रहा हूँ। हमारे जो चौराहे के ऊपर जो सिपाही खड़ा रहता है, ट्रैफिक का जो कॉन्स्टेबल, वो उसकी मूर्छित होने की नौबत आ गई थी सोचते गेट चौराहे पे, और वो मास्क लगाने शुरू किया, उनके आप पीछे ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर टांग देंगे, ये सोल्यूशन नहीं निकाल दो, ये सोल्यूशन मत निकालिए आप कि बच्चों की जो है पीठ के पीछे एक तरफ थैला, एक तरफ ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक पानी की बोतल तो पहले से ही आप डाल रहे हैं। अभी तो किताबें कम हो जाएंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन नहीं है। ये जापान की सड़क है, हिंदुस्तान की नहीं है, राजस्थान की भी नहीं है। कहीं पे एक गड्ढा नजर आता है तो हम सरकार को 4 गाली दे देते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। ये जापान की सड़क है, सबसे ज्यादा धनी देश। मतलब एक पर्यावरण के संकटों से, क्लाइमेट चेंज के कारण वहां जो तबाही आई थी, उसकी वजह से चलते चलते वहां की कारें आप देखिए धस गई हैं। सड़कें, सड़क के अंदर कारें धसक गई, और एक स्लाइड पहले देखी थी, खिलौनों की तरह कार और हवाई जहाज एक किनारे पे इकट्ठे हो गए थे। तो हिंदुस्तान की और दुनिया के दूसरे देशों की क्या स्थिति हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। हमारी सरकारें ये ग्रह जो है, शहर जो है 8वें मिशन के अंतर्गत, मतलब सस्टेनेबल हाउसिंग की जो बात हो रही है ना, हाउसिंग के साथ में सड़कें और उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है,
मेट्रो वगैरह आ रही है, सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं कि जिससे कम जो है वातावरण में गैसेज जाएं, फास्ट मूवमेंट हो सके। या अभी ये जो प्रोग्राम में ये भी उसी का एक अंग है कि हमारे सारे टीचर्स को जो है विभिन्न वाहनों से राजस्थान से यहाँ तक चंडीगढ़ नहीं आना पड़े, हरियाणा पंजाब से या उत्तर प्रदेश से या कश्मीर से यहाँ नहीं आना पड़े। ये भी उसी का एक पार्ट है कि आपके वहाँ बैठे बैठे जो है इस तरह का संदेश हम सब जगह देश के टीटीसी जोधपुर से आप सारे पॉलिटेक्निक को आप कवर कर सकते हैं। चंडीगढ़ जैसा इस तरह का आप एक स्टूडियो बनाएं और आपके जो अभी जो सेंटर बने हैं वैसे सेंटर आप हर एक पॉलिटेक्निक में स्थापित कर दें। MHRD ने आपको अनुमति दे दी है, आप इस तरह के इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो ये सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं ये इन्हीं संख्याओं को कम करने के लिए है। तो हमारे जो मेगा सिटीज हैं वो इस धरती के ऊपर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं, कितना स्ट्रेन डाल रहे हैं, और अर्बन जो मोबिलिटी है, अर्बन लिविंग है, वो कितना स्ट्रेस डाल रही है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे सॉल्यूशन उन्हीं की तरफ है। सस्टेनेबल हाउसिंग, घर सस्टेनेबल कैसे बनाएं, क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे बनाएं, ये सिविल के और आर्किटेक्चर के और दूसरे हमारे टीचर्स बताएंगे, क्योंकि हमारे जो घर है वो खुद मेगा पोल्यूटर है। अभी तक तो आप देख रहे थे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सड़कों से या उद्योगों से या और दूसरी उससे आ रही है, घरों से भी आ रही है। जो अमेरिकन लाइफ स्टाइल, जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, जिस जो हमारी एक आदर्श बनी हुई है, उसके आंकड़े हम देखें तो एक अमेरिकन वेस्टर्न घर है जो है 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वातावरण में डाल रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज दूसरी गैसेज हर साल डालें। तो क्या हम उस तरह के घर चाहते हैं? उस तरह के घर अगर पूरे हिंदुस्तान में बन गए तो 2035 वाला जो संकट है ना वो एक अगले साल में आ जाएगा। तो हमको उनकी लाइफ स्टाइल नहीं अपनानी है, हमें अपनी जो है लाइफ स्टाइल ही जो है अपनानी है जो कि इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब वहाँ के जो घर हैं वो, या वहाँ के शहरों के जो घर हैं, ड्राइविंग में, वाटर हीटिंग में, घर को गर्म करना है, घर को ठंडा करना है सर्दी में, गर्मी में ठंडा करना है, गर्मी में ठंडा करना है, सर्दी में गर्म करना है, इलेक्ट्रॉनिक और अदर अप्लाइंसेज, उनकी घर में इतनी मशीनें इस्तेमाल वहाँ हो रही हैं, उनकी अपनी बिजली की ज़रूरतें, वो सारी मिला के 14 टन ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ रही है। तो हमें उस तरह के घर नहीं बनाने हैं, जैसा कि मैंने कहा था सारे AC घर। और राजस्थान के हमारे लोग जो है वो ज़्यादा लक्की हैं, उनको पूरे देश का अगुवा बनना है, उनको ग्रीन लाइफ स्टाइल और जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल वो ज़्यादा करेंगे। राजस्थान जैसे राज्य पूरे हिंदुस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसमें चौधरी साहब सुन रहे हैं आप, हाँ दीपक जी, और आपका रोल बहुत बड़ा है सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, और ग्रीन लाइफस्टाइल जो हमारे पुराने लाइफस्टाइल रही है, एनर्जी की होम एनर्जी ऑडिट कराएं, आपका जो एनुअल यूटिलिटी बिल है उसको आप कम कर सकते हैं, और आप पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सवाल अगर, मैडम गुड आफ्टरनून, मैडम टाइम है कुछ 5-10 मिनट समय है? हाँ जी, हाँ क्वेश्चन आप। सर आपने जो ये वाटर लेवल की बात, सर 1947 में आपने बताया 6008 और आपने बोला 2015 में ये 1340, सर आप अच्छे एग्री है, पर सर अगर हम 1947 की पॉपुलेशन देखें इंडिया में, दैट वाज अराउंड 20 करोड़, नाउ इट इज 121 करोड़ एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 142-150 करोड़। सर आई थिंक ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू पॉपुलेशन। सर अब जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हर चीज में डिमांड में इंक्रीज होगा ही होगा। सर अगर आज हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पहले सर हमारे देश का फोकस था कि एग्रीकल्चर, दैट्स इट। सर आज हमारे देश फोकस है एग्रीकल्चर की तरफ, तो सर सेकेंडरी हो गया है कि कंपनीज की तरफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। सर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, और सर ये हो रहा है सर मेरे अकॉर्डिंग कि ये सब ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्लान चलाने जरूरत है। सर फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज है, सर अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में रही तो
सब कुछ बैलेंस में आ सकता है, इकोनॉमी बैलेंस में आ सकती है अगर पॉपुलेशन ओवर बाय इंक्रीज करती जाएगी. सर आज से चाइना को हम 15 साल पहले देख लें, 15 नहीं मतलब 30 साल पहले बैक चले गए, जब उनकी हमारे से भी ज्यादा पॉपुलेशन होती थी. सर उन्होंने ऐसा कंट्रोल आने के बाद देश उनका 10 साल में इतना इंक्रीज कर गया जिसको सर पूरा वर्ल्ड मानता है. सर आज के देश में सबसे बड़ा सुपर पावर चाइना है. सर गुड़गांव का एग्जाम्पल देख लें, आज से 10 साल पहले गुड़गांव 15 साल पहले कुछ नहीं होता था और सर वहां ग्राउंड वाटर लेवल था अराउंड 20 मीटर सर, और वो आज अगर हम वहां का देख ले वो हो चुके अराउंड 80 to 90 और अगले 5 साल में बोल रहे हैं कि 140 से 150. सर अगर यहाँ का 140 से 150 हो जाएगा वो शहर तो खत्म हो जाएगा. सर वही है सर, वो हो किस लिए रहा? सर गुड़गांव में पहले कोई रहता ही नहीं था, सिर्फ एक मारुति थी, दैट्स इट. इसके अलावा गुड़गांव को कोई जानता भी नहीं था. पर अगर आज ले जाए तो गुड़गांव इट्स लाइक दिल्ली से भी महंगा और दिल्ली से भी जगह बढ़िया है. सर सर ये वो तो सब कुछ अल्टीमेटली देखा जाए तो पॉपुलेशन की वजह से ही रहा है ना. आपकी बात पार्टली ठीक है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनसंख्या एक तरफ ठीक है, पॉपुलेशन एक तरफ है, वो भी एक कारण है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, जैसे हमारे अनपढ़ता सर ठीक है सर, जो कई लोगों में है सर विलेजेस में चले जाएं या और बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं. सर आजकल विलेज भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, मैं विलेज नहीं कहूंगा, पर सर आज भी ऐसे बहुत एरिया इंडिया में जहाँ पे सर मतलब यही सोचते हैं कि 2 बच्चे 3 बच्चे या कुछ भी है, पर सर इस चीज के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना ही नहीं चाहती ड्यू टू आपको बताऊं. पॉपुलेशन एक कारण है और उसको पॉपुलेशन को दूर करने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, हमको करना चाहिए. सरकार को क्या करना है वो सरकार सोचेगी और करेगी, कर रही है. लेकिन और बातें आप जो है और बातों को भी आपको आम नागरिक तक और हमारे स्टूडेंट तक पहुंचाना है. जो लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ, अमेरिका की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, भारत से बहुत कम है, लेकिन जितनी बर्बादी अमेरिकन पॉपुलेशन फैला रही है क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेवार है उतनी हिंदुस्तान और चाइना की नहीं है. और आप जो है चाइना को रोल मॉडल मत बनाइए, चाइना हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता है. चाइना की जनसंख्या आज भी हमसे ज्यादा है, आज की तारीख में भी, और चाइना जिस तरीके पर चल रहा है वो अमेरिका के तरीके पर चल रहा है. चाइना की वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है. और अगर चाइना अमेरिका की जगह आना चाह रहा है और हिंदुस्तान जो है अमेरिका या चाइना बनना चाह रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आप नंबर वन नहीं बनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप नंबर वन इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके मत बनिए. अमेरिका नंबर वन इस दुनिया को बर्बाद करके बना है. आज जो जो तबाही जो मच रही है उसके कारण उसके लिए नंबर वन जिम्मेवार अमेरिका, नंबर टू यूरोप के देश, नंबर थ्री चाइना, इंडिया अभी नीचे है. क्या हम नंबर वन और नंबर टू उनकी तरह बनना चाह रहे हैं? अगर हमको जो है हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी उससे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान की 121 करोड़ की लाइफस्टाइल अमेरिका जैसी हो जाए लाइफस्टाइल, अगर कल आप उनको ये सारी सारी सुविधाएं कल किसी भी तरह से लोन लेकर के कहीं से भी आप दे दो ये सारी सुविधाएं, तो हिंदुस्तान परसों बर्बाद हो जाएगा. हिंदुस्तान में पीने के साफ पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा. आप समझ रहे हो आप? हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमको सरकार के ऊपर या दूसरों के ऊपर कमियां निकालने की बात को छोड़ना पड़ेगा. मुझे तो ये सोचना है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे किस किस एक्शन से मैं कितना पानी बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कितना पेट्रोल बर्बाद कर रहा हूँ, मैं कितना अनाज बर्बाद कर रहा हूँ, वो मुझे कंट्रोल करना है. इंडिया फर्स्ट, मोदी जी ने कहा है इंडिया फर्स्ट हमारा पहला नारा होना चाहिए. इंडिया फर्स्ट का मतलब ये है कि मैं इंडिया को जो है फर्स्ट नहीं आने में क्या गड़बड़ कर रहा हूँ. मुझे जो गांधी जी की जो सोच थी उसके ऊपर आना पड़ेगा कि मेरा हर एक जो एक्शन है वो पर्यावरण नहीं है. ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है, हमें बहस नहीं करनी, बहस से पहले एक्शन, कानून की बात. हमारे देश का दुर्भाग्य है सर कि मोदी जी होने के बाद भी सर मोदी जी की क्या है पॉलिटिक्स, क्या नहीं है सर, आज भी 50% ऑफ द पॉलिटिशियन नहीं जाते. मैंने जो एग्जांपल दिए है, मैं ये पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम नागरिक के रूप में और एक टीचर के रूप में मैं इस देश का कितना भला कर सकता हूँ. आपने पिछली स्लाइड से अगर आपने ध्यान से सुनी हो
तो उन सब का एक ही नतीजा है, सब एक तरफ इंगित कर रही हैं कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है एक नागरिक के तौर पर, वो हमको सबसे पहले नाश्ता करने से पहले हमें मूल कर्तव्य को याद करना चाहिए सुबह, कि आज शाम तक जो है मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो उस मूल कर्तव्य को के पालन की तरफ है कि नहीं, अधिकार की तरफ नहीं। दूसरे सेंटर से मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है इसको, हाँ दूसरे सेंटर से कोई सवाल। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन द डे टुडे, वर्ल्ड वाटर डे। Thank you, and we are lucky to have the session today. Thank you. And thank you. I would like to inform everybody in all the centers that we at Chandigarh University are actively involved in conservation technologies, and we are taking our students out to rivers, wetlands, and showing them the live work being done by great people like Malvi Sanjeeval at Sanjeeval Village. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, मैं यही चाह रहा हूँ कि हर हर बच्चे तक ये संदेश पहुंचे, वो इन्वॉल्व हो। थैंक यू। हाँ जी, Saint Margaret. Hello. Saint Margaret. Hello. Hello. हाँ जी, बोलिए बोलिए। Hello. हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं कॉलेज। No specific questions from Saint Margaret Engineering College, Neemrana. एक मिनट, एक मिनट। बैक से क्वेश्चन आ रहा है, पहले बोल देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। Saint Margaret, please continue. हाँ। Saint Margaret. Yes. Am I audible? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Am I audible sir? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आप सर, इट वाज वेरी नाइस लेक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड एवरीबॉडी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू सम कंट्रीब्यूशन टू सेव आवर मदर अर्थ, एंड इट वाज ए नाइस लेक्चर एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ दीज इन आवर रियल लाइफ. So thanks a lot, sir, for this nice lecture. Thank you, thank you. हाँ जी, हाँ जी, अपना वेदांत ग्रुप, हाँ वेदांत ग्रुप, वेदांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, खाना खाने जाना, आप बोलिए प्लीज। मैम आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, हाँ माइक सही करिए, माइक सही करिए, स्क्रीन पे हेलो मैम, जो स्क्रीन पे रेड बटन आ रहा है उसको क्लिक कीजिए काइंडली, रिमोट से ऑन कीजिए अपना माइक, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा विधान प्रोफ। मैम दोनों माइक आपके जो हाथ में उसको ऑन करिए और जो स्क्रीन पे उसको ऑन करिए, दोनों साइड में नहीं उसको ऑन करिए। अच्छा बोलिए मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है। ओके मैम, पॉलिटेक्निक ग्रुप के एक मिनट। हाँ जी विदान ग्रुप, मैम माइक आपका बंद है। हाँ मैम, एक मिनट आप रुकिए, उधर वेदांत से कोशिश कर रहे हैं। विदान ग्रुप माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन नहीं कर रहे मैम, माइक इज नॉट वर्किंग। एमएम पॉलिटेक्निक अपना पूछ लीजिए सवाल। हाँ जी, एमएम पॉलिटेक्निक सर, मैं ये कहना चाह रहा था भाई, जैसे आज का जो हमारा पर कैप का डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि जितना हम वाटर बे फिजूल की जगह पे यूज करते हैं उसको कम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर, जो मैं एक चीज
चाहता हूँ ये इंप्लीमेंट तो जो हमारा रेन वाटर का सिस्टम है वो बहुत पुअर है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अगर हम अपनी जो रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम उसको बेहतर करें, हमारा रेन वाटर है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, उसका एक प्रॉपर चैनल में उसको मतलब वाटर ट्रीटमेंट दिया जाए उसकी कलेक्शन के बाद, तो वाटर प्रॉब्लम बहुत अच्छे हर तरीके तक बहुत सुधर सकती है सर. बिल्कुल ठीक बात कही आपने. हाँ जी विद्वान अभी बोलना चाह रहे हैं आप. वेदांत तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन सर. ओके थैंक यू.